jungle. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। लॉकडाउन के दौरान जहां सभी होटल और ढाबा बंद है, ऐसे में वेना थाना क्षेत्र में चंडी पूर्वी के जिला परिषद सदस्य निरंजन कुमार द्वारा चालकों व ग्रामीणों के बीच लगातार खाना का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर जीप सदस्य निरंजन कुमार ने बताया कि थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के सहयोग से चालकों और गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। जब से देश में लॉकडाउन का घोषणा हुआ है, तब से सभी होटल और ढाबा बंद है। इस कारण आवश्यक कार्य में लगे चालकों के समक्ष भूख की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखकर यहां खाने की व्यवस्था की गई है। ये होटल खोलने का उद्देश्य क्या है आपका? जी, माननीय प्रधानमंत्री के आदेश, जो लॉकडाउन का जो आदेश हुआ उसको हम लोग पालन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए थे हम लोग मिल करके। तो जो यहाँ से इमरजेंसी गाड़ी गुजरती थी, एम्बुलेंस हो या तो डीजल गाड़ी या तो जो भी गैस गाड़ी हो, और कुछ यात्री लोग जिनको साधन नहीं मिला वो पैदल भी अपने घर की ओर जा रहे थे। वैसे लोग आकर के पूछते थे कि भोजन मिलेगा, तब हम लोग एक पहल किए कि वैसे ज़रूरतमंद को भोजन कराया जाए। तो हम सभी लोग मिल करके यह कार्यक्रम को चालू रखे हैं, और इसमें दाताओं की कमी नहीं है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय बेना नरेंद्र कुमार जी भी लगातार बरवक्त जब भी टाइम मिलता है वो आते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। कितना आदमी खाते हैं रोज़ यहाँ? 1000+ अभी जा रहा है, और यह जो रेस्टोरेंट है यह 54 बीघा में है, और इस गाँव के भी लोग जो होटल का जमीन में बना हुआ, सुधीर कुमार जी, धर्मेंद्र जी, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दाताओं की कमी नहीं है, मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लॉकडाउन जितना दिन चलेगा यहां पर हजारों हजार की संख्या में लोग खाना खाते रहेंगे, लेकिन यहां पर कुछ कमी नहीं होगा। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ, जिला परिषद सदस्य चंडी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का बहुत सारे यूजर्स ने कॉमेंट करके जवाब दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से कुछ के नाम हैं: सौरभ कुमार, सरफराज डुमरामी, नाहिदर रहमान, चितरंजन कुमार, सैयद कामरान अशरफी, एसके क्रिएशन, दिवाकर कुमार, इजाज आलम। इनके अलावा और भी लोगों ने कमेंट करके जवाब दिया था। समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, कल हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, आप किस जिले से हैं? जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।